नमस्कार दोस्तों, मैं नदी मंजू आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ फिर से जुड़ गया हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कॉमन हैंड टूल से लिया गया है। वो टॉपिक का नाम है स्क्रू ड्राइवर का अगर हम बात करें तो वो मैकेनिकल वाले भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले भी यूज करते हैं, आप लोग घर में होम अप्लायंस के रूप में भी इसको यूज करते हैं। बहुत सारे जगह में आपने कहीं स्क्रू को जो टाइट करना है या लूज करना है वहां पर जो है इसको यूज करते हैं स्क्रू ड्राइवर का अगर हम बात करें तो स्क्रू ड्राइवर का मेनली वर्क होता है कि किसी भी स्क्रू को लूजिंग करना और टाइटिंग करना, मतलब खोलना और टाइट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा डिफिनेशन को यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या है डिफिनेशन, मैंने यहाँ पर देखिए आपके लिए डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है कि स्क्रू ड्राइवर क्या है। स्क्रू ड्राइवर एक ऐसा औजार है जो किसी झिर्रीदार, ठीक है, ऐसा औजार है जो किसी झिर्रीदार स्क्रू को खोलने या कसने के काम आता है, ठीक है ना, उसे पेचकस कहते हैं। मेनली इसका यही वर्क है जो खोलने और कसने के काम आता है, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया। दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर का अगर हम बात करें तो स्क्रू ड्राइवर का अपना एक आवर्ण पार्ट्स होता है। आप लोग को सुनने में थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन बेसिकली ये होता है। हम यहाँ पर इस पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपको कुछ टर्म है जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक स्क्रू ड्राइवर को लूज कर रहे हैं तो हमको स्क्रू ड्राइवर का डायरेक्शन कैसे रखना चाहिए। अगर हम स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो स्क्रू ड्राइवर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इसको डिस्कस करना है। जैसे मान लीजिए आप लोग को दो टर्म समझना है, एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज को भी काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज से क्या होता है, जो मेरी घड़ी की दिशा में, घड़ी मेरा कैसे ऐसे ऐसे घूमता है, इस दिशा में अगर मेरा घूम रहा है इसमें क्या होगा, इसमें मेरा जो है स्क्रू क्या होगा, टाइट होगा। तो हम जब स्क्रू को टाइट करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, तब जाके मेरा क्या होगा, स्क्रू जो है मेरा वो क्या होगा, टाइट होगा। अगर हम बात करें लूजिंग का, खोलने का, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर का जो डायरेक्शन जो है वो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज करने से क्या होगा, हमारा जो है स्क्रू ड्राइवर जो है लूज होगा, ठीक है। ये दो टर्म था जो आप लोग को बताना बहुत जरूरी था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर का, ठीक है। मैनली अगर हम बात करें तो स्क्रू ड्राइवर का जो पार्ट होता है वो तीन होता है, ठीक है, हैंडल होता है, सैंक होता है और ब्लेड होता है। ये तीन पार्ट ही स्क्रू ड्राइवर में होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और एडप्ट किए हैं आप लोग के लिए जो स्क्रू ड्राइवर के पार्ट्स में ही आता है। यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्क्रू ड्राइवर का जो है फिगर, यहाँ पर हैंड स्क्रू ड्राइवर तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है फ्री हैंड से, और आपको यहाँ पर मैं इसके थ्रू आपको बताऊंगा। तो सबसे अगर हम स्टार्टिंग का बात करें तो सबसे स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट, जहां हम इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये देखिए मेरा जो स्क्रू है, ये स्क्रू के ऊपर में हम इस पॉइंट को रखते हैं, ठीक है। झिर्रीदार मेरा यहाँ पर स्क्रू है, बीच में देखिए झिर्रीदार कटा हुआ है, तो यहाँ पर हम स्क्रू को, ये पॉइंट को इसमें रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ा सा और ऊपर वाले को, जिसको जहां मेरा वी शेप का बना हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, वो ब्लेड हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको ऐसे दिखा देता हूँ, इसको पार्ट को पूरा को हम क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। और आगे वाले पॉइंट भाग को पॉइंट बोलते हैं, फिर इसके जस्ट पीछे वाले भाग को आ जाएंगे तो सैंक बोलते हैं, ठीक है। ब्लेड और ये जो आपका या हैंडल का जो आपका ये जो स्क्रू ड्राइवर का लास्ट पोजिशन है ये स्टील का, ये वाला आपको बोलते हैं, इस पोजिशन को सैंक बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सैंक हो गया यहाँ तक के लिए। उसके बाद जो है क्या होता है, हैंडल लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर जो स्क्रू ड्राइवर बनाया है जिसका हैंडल जो है लकड़ी का है, ठीक है, देखने से ही लग रहा है आपको थोड़ा बड़ा स्क्रू ड्राइवर है। इसमें जो है ये हैंडल जो है किसका है, वो आपका
वुड का है, लकड़ी का है, ठीक है। हैंडल आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, हैंडल आपका लकड़ी का भी हो सकता है। लकड़ी का मैनुअली जो है, जो फर्नीचर पे जो काम वगैरह करते हैं वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक का जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो वो भी यूज करते हैं, घर में हम लोग जो होम अप्लायंस बोले तो वहाँ भी यूज करते हैं, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर उसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये वाला हैंडल है, ये लकड़ी का हैंडल है। जैसे आप लोगों को मैंने चीजें बताया था, फाइल बताया था, तो फाइल में जो हैंडल लगा हुआ था उसके आगे में एक जो है आपका लोहे का जो है एक रॉन्ड जैसा है, जैसे आप लोग का रिंग कैसे होता है वैसे ही रॉन्ड जैसा हैंडल में लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग फैरल यहाँ भी बोलते हैं, वहाँ भी फैरल ही बोलते थे, यहाँ भी उसको यही चीज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हैंडल का जो यहाँ से यहाँ तक पोजिशन है पूरे को हम लोग हैंडल बोलते हैं, इस पोजिशन को हम लोग फैरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ताकि क्या हो, जब हम पैटिंग कर रहे हैं या फिर तो हैंडल और जो मेरा ये जो स्क्रू ड्राइवर का जो ये पूरा पोजीशन है वो दोनों क्या हो एक दूसरे के साथ अटैच रहे, फिटमेंट अच्छा रहे। फिटमेंट जरा से भी गड़बड़ाएगा तो मालूम चला आपका जो है स्क्रू जो वर्क के लिए आप यूज कर रहे हो वो वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज आता है लेंथ, इसको बोलते हैं। तो लेंथ जो है ये जो आपका लेंथ जो हो जाएगा ये यहाँ पर जो पोजिशन है फैरल के पहले, ठीक है ना, फैरल के पहले या पॉइंट के बीच से यहां तक जो हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्क्रू ड्राइवर, ठीक है ना। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फैरल, फैरल और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ स्क्रू ड्राइवर। तो लेंथ ऑफ स्क्रू ड्राइवर का अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ स्क्रू ड्राइवर जो है वो अलग अलग साइज में मिलता है, मैनली 75 mm से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 75 mm से उसके बाद आपका 300 mm तक जो है मार्केट में अवेलेबल है, इससे भी बड़ा भी आता होगा आप लोग, लेकिन मैनली जो यहाँ पर जो बुक के हिसाब से 75 mm से 300 mm का जो है मिलता है आपको। यहाँ पर जो 75 और 300 बीच का जो साइज है वो डिफर करते रहता है, आपको जितना चाहिए जिसके हिसाब से चाहिए उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर है, देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके आगे वाले पार्ट को देखिए आप, यहाँ पर आगे वाले पार्ट अगर हम देखेंगे तो ये देखिए नुकीला टाइप का है, ठीक है ना। और दूसरा मैं एक स्क्रू ड्राइवर और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आगे वाले पार्ट को आप देखिएगा पॉइंट बना हुआ है, ठीक है ना, जैसा मैंने यहाँ पर फिगर में ड्रॉ किया है। ये स्क्रू ड्राइवर में आप देख सकते हैं इसका जो हैंडल है, हैंडल को आप देखिएगा तो ये हैंडल जो है आपका किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है ना। प्लास्टिक का बना हुआ रहता है हैंडल और इसके ऊपर जो है ग्रिपिंग भी किया हुआ रहता है। ग्रिपिंग किस लिए करते हैं, ग्रिपिंग करते इसलिए कि हाथ से फिसले नहीं, ठीक है ना, जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क प्रॉपरली हो जाए, इसलिए यहाँ पर ग्रिपिंग किया जाता है। क्योंकि आप वर्क कर रहे हो तो आपका हाथ थोड़ा वेट होगा कहीं ना कहीं कुछ, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर हाथ से फिसलेगा, ठीक है। ये चीज था, ये पॉइंट था जो आपको यहाँ पर बताना था। अगर हम बात करें मटेरियल का, ठीक है, कि इस स्क्रू ड्राइवर का मटेरियल कौन कौन सा रहता है, तो स्क्रू ड्राइवर का अगर हम मटेरियल का बात करें तो जो हैंडल जो है वो हैंडल जो है हमारा वुड लकड़ी का बना हुआ रहेगा या तो प्लास्टिक का बना हुआ रहेगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें सैंक, तो सैंक जो है यहाँ से यहाँ तक का पोजिशन को बोलते हैं, ब्लेड और फेरल के बीच का यहाँ का दूरी है उसको हम बोलते हैं सैंक। तो सैंक जो है वो क्या होता है, कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है, कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है क्या आपका ब्लेड, तो ब्लेड भी जो है कार्बन स्टील का ही बना हुआ रहता है। तो मैंने भी आप बोल सकते हैं कि ब्लेड से ये जो पूरा आगे का पोजिशन है, ब्लेड और सैंक ये दोनों किसका है, कार्बन स्टील का बना हुआ है। लेकिन एक बात पॉइंट करने वाली ये है कि जो इसके आगे वाले जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को जो है हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड और टेम्पर इसलिए किया जाता है कि देखिए हम एक स्क्रू ड्राइवर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वर्क ले रहे हैं, हर जगह उसको यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, घिसना होगा, ठीक है ना, घिसेगा वो, ठीक है ना। घिसने से क्या होगा, वो अगर उसको टेम्पर नहीं करेंगे तो वो जल्दी घिस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर इसको जो है टेम्पर कर दिया जाता है, हार्ड भी कर दिया जाता थोड़ा, क्योंकि अगर हम उसको क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके कोई स्क्रू को खोलना चाह रहे हैं तो अगर ये हार्ड टेम्पर नहीं हो तो ये क्या होगा, टिल्ड होने की कोशिश होगा। टिल्ड मतलब ये अपना आवन पोजिशन में घूमने की कोशिश करेगा, टेढ़ा मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, टिल्ड हो जाएगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप कभी कभी ऐसा देखे होंगे कि मान लीजिए आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला तो आप कोई दूसरा चीज़ से खोलने की कोशिश करें तो आप खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपका जो जिससे आप खोल रहे हो क्या होगा, टिल्ड हो गया, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए उसको यहाँ पर टेम्पर किया जाता है। और ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल को भी हाई कार्बन स्टील से जो है बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो था आपका, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका जो है
स्क्रू ड्राइवर का यहाँ पर मैंने नॉर्मल क्लेचर बताया है, स्क्रू ड्राइवर का डिफिनेशन बताया है, उसके पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। अब जो है बच जाता है स्क्रू ड्राइवर के आगे का टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू अगर हम यूज़ का बात करें तो बहुत सारे आपका जो है मैंने भी 8 or 9 टाइप्स के जो है स्क्रू ड्राइवर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने घर में, और मैकेनिकल वाले भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जो वर्किंग करते हैं जो असेंबल वगैरह करते हैं वहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूज़ किया जाता है। तो उस सब को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वन बाय वन उस टॉपिक को समझेंगे। आज के लिए फिलहाल हम ये बता दिए हैं आप लोग को पार्ट्स किसको बोलते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, मटेरियल क्या है, और ये जो सिस्टम जो हमको आपको एक पॉइंट डिस्कस करना था वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा वो टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर के ऊपर होगा, ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इससे जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है कार्बन स्टील का जो नीचे आगे वाला पॉइंट को जो है हार्ड टेम्पर किया जाता है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर का होगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर।